हर हर महादेव। कई बार आप कुछ ऐसे कार्य कर गुजरते हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और ये आपसे करवाती है आपकी इच्छा शक्ति यानी आपका मनोबल। पर कभी कभी जरूरत होती है इस मनोबल को यानी इस इच्छा शक्ति को जगाने की। बस इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। विराटनगर के एक राजा थे सुकीर्ति, जिनका एक हाथी था लोशांग। लोशांग के साथ राजा सुकीर्ति ने कई युद्ध जीते थे, और लोशांग एक ऐसा विशालकाय हाथी था जो जैसे ही युद्ध में प्रवेश करता तो उसकी चिंगाड़ से सामने वाली पूरी की पूरी सेना धराशाही हो जाती थी। पर समय के साथ हर जीव की तरह लोशांग हाथी भी बूढ़ा हो चला। अब वो राजा के युद्ध के किसी काम का नहीं था, सो हाथीशाला की शोभा बढ़ा रहा था। उसके खाने में भी कमी कर दी गई थी, और सिर्फ एक बूढ़ा सेवक था जो सुबह शाम उसको खाना और पानी दिया करता था। और कभी कभी वो बूढ़ा चूक जाता तो लोशांग भूखा और प्यासा रह जाता था। एक बार 2 दिन बीत गए, वो बूढ़ा सेवक ना तो लोशांग हाथी के लिए खाना लेकर आया और ना पानी। तब लोशांग को बहुत जोर की प्यास लगी, सो वो हाथीशाला से बाहर निकला और सीधे सीधे उस तालाब की ओर चल दिया जहां कई वर्षों पहले उसे सैनिक नहलाने और पानी पिलाने ले जाया करते थे। उस तालाब पर पहुंचकर लोशांग ने खूब पेट भरकर पानी पिया और उसके बाद स्नान के लिए उस तालाब में उतर गया। पर वहां उतरकर उसने देखा कि वो तालाब तो कीचड़ से भरा हुआ है। उससे बाहर निकलने के लिए वो जितना छटपटाता, जितनी कोशिश करता, उतना ही कीचड़ में और धंसता चला जाता। ये बात कुछ सैनिकों ने राजा को बताई, तो राजा ने अपनी एक टुकड़ी भेजी हाथी लोशांग को बाहर निकालने के लिए। सैनिकों की उस टोली ने बड़ी मेहनत की, पर सब निष्फल रहे। और अब सभी सैनिक ये मान चुके थे कि क्योंकि लोशांग कीचड़ में गर्दन तक धंस चुका है तो उसे निकालना नामुमकिन है और उसकी मृत्यु अब निश्चित है। तभी राजा के एक मंत्री ने एक युक्ति सुझाई, और जितने भी सैनिक लोशांग को बचाने के लिए गए हुए थे उन्हें वापस राजमहल बुला लिया, और फिर उन सभी सैनिकों से कहा कि वो सब युद्ध पोशाकों में तैयार हो जाएं और ढोल नगाड़े के साथ एक बार फिर से तालाब के किनारे जाएं। सैनिकों ने ऐसा ही किया, और जब वो सैनिक ढोल नगाड़े बजाते वहां तालाब के किनारे पहुंचे तो लोशांग हाथी को लगा कि शत्रुओं का आक्रमण हो गया है उसके अपने राज्य पर। उसमें पता नहीं कहां से इतनी जान, ऐसा मनोबल, ऐसी इच्छा शक्ति आई कि वो पूरी जोर लगाकर कीचड़ को उड़ाता हुआ, चिंघाड़ता हुआ बाहर निकल आया और उस सैनिकों की टोली पर टूट पड़ा, उनके पीछे दौड़ने लगा। किसी तरह से उस हाथी को नियंत्रित किया गया और इस तरह वो बच गया। देखा आपने, जो हाथी खुद हार मान चुका था, पूरी सेना हार मान चुकी थी, उसी हाथी की इच्छा शक्ति ने उससे क्या करवा दिया, उसकी जान बचा दी। हम भी अक्सर सोचते हैं कि शायद कोई कार्य बहुत बड़ा है, हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हम पूरी तैयारी के साथ, पूरी इच्छा शक्ति और पूर्ण मनोबल के साथ उस कार्य को करने में लग जाएंगे तो निश्चित है वो हमसे होगा ही होगा। कैसी लगी आपको आज की कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं हिमांशु शर्मा theastrologic.com पर। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहें theastrologic.com के साथ। धन्यवाद।